कल्चर और रिलीजन में काफी कंफ्यूजन रहता है कि क्या कल्चर ही रिलीजन है। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। रिलीजन जो होता है उसके साथ अक्सर जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है गॉड का। गॉड मतलब वो शक्ति जो कि पूरी दुनिया को चलाती है, और उसको एक इजियर फॉर्म में समझने में हम उसे बेसिकली रिलीजन से रिप्रेजेंट करते हैं। कल्चर जो आता है वो बेसिकली इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि रहन सहन का क्या तरीका है, किस तरीके के आर्ट फॉर्म्स हैं, किस तरीके के फूडिंग हैबिट्स हैं। इसको और सिंपल तरीके से समझने का आप इस तरीके से समझो कि जैसे इंडिया, इंडिया में क्या है, हम बोलते हैं एक कल्चर है जो भारतीय संस्कृति बोलते हैं, इंडियन कल्चर। बट आप देखोगे उसके अंदर मल्टीपल रिलीजन्स हैं। जैसे हमारे यहां पे हिंदू है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, मगर अब आप देखोगे कि फिर भी एक कॉमन थ्रेड होता है कल्चर का इन सब रिलीजन के बीच। अब जो इस्लाम है वो केवल इंडिया में नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में है। क्रिश्चियनिटी है पूरे वर्ल्ड में है, इवन हिंदुइज्म के कुछ ट्रेसेस आपको दूसरे कंट्रीज में मिलते हैं। बट वहां पे उनका कल्चर उस जगह लोकल जगह के हिसाब से डिफाइन हो जाता है। तो कल्चर जो होता है वो बेसिकली आपका जो एक रहन सहन का तरीका है, और इसका एक बहुत बड़े फैक्टर होते हैं जो कि आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, किस तरीके के आर्ट फॉर्म्स हैं, वो सब कल्चर को डिफाइन करते हैं। एंड रिलीजन ऑन द अदर हैंड ये एक गॉड का रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि रिलीजन को डिफाइन करता है, क्योंकि इसके साथ साथ आपकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं रिलीजियस बुक्स के, टीचिंग्स के, और ये इसको ड्राइव करते हैं। और एक और चीज आप देखिए कि रिलीजन जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है अपनी डेफिनेशन को लेके, ज्यादा रिग्रस होता है, वेरस कल्चर जो होता है वो काफी फ्लूइड होता है और वो काफी तैयार रहता है दूसरी चीजों को अडॉप्ट करने के लिए। अब इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें और भी निकल के आती, जैसे कि अगर आप देखोगे कि ईटिंग हैबिट्स, अब कुछ जगह पे लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं बट वो उसको रिलीजियस बिलीफ से कनेक्ट कर देते हैं, मगर आप देखोगे उसी रिलीजन के लोग जब दूसरी जगह पे होते हैं तो वो नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि वो वहां के उनके कल्चर से डिफाइन होता है, वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो नीड्स हैं, उस हिसाब से वो डिफाइन होता है। तो इसलिए कल्चर और रिलीजन आपस में बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। बट एक सिंपल टर्म में अगर आप समझो तो रिलीजन जो है वो गॉड के रिप्रेजेंटेशन को बेसिकली सिग्निफाई करता है, और जो कल्चर है वो आपके जो डे टू डे की लिविंग है, जो आर्ट फॉर्म्स हैं, उस चीज को सिग्निफाई करता है। बट ऑफकोर्स ये आपस में एक दूसरे के साथ काफी इंटरेक्ट करते हैं, और फाइनली जो वो निकल के आता है जो कि एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि कोई सोसाइटी कैसे जी रही है या कैसे वो रहती है, वो जो है इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस से क्रिएट होता है। तो होपफुली आप लोगों को कल्चर और रिलीजन के बीच में एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा।